दोस्तों जंगल की दुनिया का एक सादा सा कानून है, यहाँ वही जिंदा बचता है जो शिकार करने में माहिर होता है। इसी वजह से शेर, टाइगर और तेंदुए जैसे खूंखार जानवर अपनी शानदार हंटिंग स्किल्स के दम पर जंगल की दुनिया पर राज करते हैं, और जो कोई भी इनका सामना करने की कोशिश करता है उसे ये एक ही झटके में अपना शिकार बना लेते हैं। और दोस्तों यही खूबियाँ हमें आसमान पर राज करने वाले कुछ परिंदों में भी देखने को मिलती हैं, जो उड़ते तो आसमान की बुलंदियों पर हैं, मगर इनकी दहशत जमीन पर रहने वाले जानवरों में भी पाई जाती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही कुछ खतरनाक शिकारी परिंदों की हंटिंग स्किल्स दिखाने जा रहा हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, ईगल अटैक स्नेक। दोस्तों जानलेवा जहर की वजह से सांप को इस दुनिया के सबसे खतरनाक जानवरों में से एक माना जाता है, मगर इस जानवर का जहर चाहे जितना भी जानलेवा क्यों ना हो, लेकिन ईगल जैसे शातिर शिकारी से बच पाना हमेशा ही इसके लिए मुश्किल रहा है। और ऐसा इसलिए क्योंकि ईगल की नज़र बहुत ही ज्यादा तेज होती है, जिस वजह से वो आसमान की ऊंचाई से जमीन पर रेंगते हुए जानवरों को भी आसानी से देख लेता है। और दोस्तों हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि ईगल अपनी एक ही नज़र से पानी में तैर रही मछली को भी देख लेता है, और पानी में रहने वाले सांपों का शिकार करना भी इसे बेहद पसंद है। जैसा कि इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि हवा में उड़ता हुआ ये ईगल पानी में तैर रहे एक सांप को अपना टारगेट बना लेता है, और सांप को अपने पंजों में उठाकर आसमान में ले जाता है। इस दौरान सांप ईगल के चंगुल से निकलने की पूरी कोशिश करता है, मगर कोई फायदा नहीं होता, और ईगल इस सांप को उठाकर अपने घोंसले में ले जाता है और वहाँ अपने बच्चों के साथ मिलकर सांप को लंच के तौर पर मजे से खाता है। नंबर 2, ब्लू बर्ड अटैक ग्रीन मांबा। चलिए अब मैं आपको एक चिड़िया को ग्रीन मांबा जैसे खतरनाक सांप का शिकार करते हुए दिखाता हूँ, जिसे देखकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि भला ये छोटी सी चिड़िया इतनी खतरनाक हो सकती है क्या। असल में इस वीडियो में दिखाई दे रहा ग्रीन मांबा इस बर्ड को छोटी चिड़िया समझकर उसका शिकार करने की कोशिश करता है, मगर ये ब्लू बर्ड सांप के हमले को नाकाम बना देती है और उल्टा सांप को अपना शिकार बनाने के लिए अपनी चोंच के साथ उसके सर पर हमला करना शुरू कर देती है। और दोस्तों ब्लू बर्ड के लगातार से सांप परेशान हो जाता है और अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश में लग जाता है, मगर ये बर्ड सांप को अपनी चूंच और पंजों की मदद से कस के पकड़ लेती है और इसके भागने की सारी कोशिशों को नाकाम बना देती है। दोस्तों तकरीबन आधे घंटे तक ऐसे ही सांप और ब्लू बर्ड के बीच मुकाबला जारी रहता है, जिसके बाद आखिरकार ये बर्ड सांप को अपना शिकार बनाने में कामयाब हो जाती है। और इस क्लिप को देखकर हमें एक ही चीज सीखने को मिलती है कि कभी भी सामने वाले को कमजोर नहीं समझना चाहिए। नंबर 3, वल्चर हंट्स डियर। दोस्तों भूख की तड़प क्या होती है इसका एक जीता जागता नमूना आप इस वीडियो में देखने जा रहे हैं, क्योंकि इस क्लिप में कुछ ऐसा होने जा रहा है जिसका आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। दरअसल जमीन पर पड़े एक मुर्दा हिरन को देखकर वल्चर्स का एक झुंड यहाँ पर पहुँच जाता है और सभी मिलकर उसका जिस्म नोचना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों ये वल्चर्स इस मरे हुए हिरन का गोश्त कुछ इस तरह से नोच रहे थे, जिसे देखकर लगता है कि ये खूंखार दरिंदे काफी दिनों से भूखे थे, और इनकी भूख की तड़प यहाँ से भी पता चलती है कि चंद ही मिनटों में ये हिरन की बोटी बोटी नोच डालते हैं और उसे खा जाते हैं। हालांकि अभी भी कुछ वल्चर्स हिरन की बोटियां ढूंढने में लगे हुए हैं, क्योंकि इनके हाथ एक भी बोटी नहीं आई और ये अभी भी भूखे हैं। तो क्यों दोस्तों, क्या आपने पहले कभी ऐसी कोई वीडियो क्लिप देखी है? नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताएं, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं आपके लिए इससे भी ज्यादा हैरान कुन वीडियो ला सकूं। नंबर 4, हिरन अटैक फिश। दोस्तों हिरन बर्ड की अगर बात करें तो लुक्स के मामले में ये अट्रैक्टिव होने के साथ साथ काफी खामोश तबीयत के दिखाई देते हैं, लेकिन जब बारी आती है इनके शिकार करने की तो इनकी सारी क्यूटनेस एक पल में गायब हो जाती है और ये किसी मंजे हुए शिकारी की तरह अपने शिकार पर हमला करते हैं। हिरन बर्ड्स अपने टारगेट पर इतना पक्का निशाना लगाते हैं कि एक ही हमले में ये सामने वाले जानवर को सीधा मौत के मुंह में भेज देते हैं, जैसा कि आप इस वीडियो क्लिप में देख सकते हैं, जहां एक हिरन बर्ड बिल्कुल खामोशी के साथ पानी में मौजूद कैटफिश पर अपना टारगेट सेट कर रहा है और मौका मिलते ही उस पर हमला कर देता है। और दोस्तों आपने देखा कि कैसे पलक झपकते ही इस बर्ड ने मछली पर हमला करके उसे अपनी चोंच की मदद से पकड़ लिया। सच में हिरन बर्ड का ये हमला बिजली की रफ्तार से भी तेज था। नंबर 5, बुलबुल अटैक स्नेक। दोस्तों अब जरा आप इस वीडियो में एक बुलबुल को देखें, जो कि अपने नन्हे बच्चों को खाना खिलाने में मसरूफ है। इस दौरान बुलबुल इस बात से बिल्कुल अनजान है कि यहाँ पास ही एक सांप उसके बच्चों को अपना निवाला बनाने के लिए छुपा हुआ है और मौके का इंतजार कर रहा है। और दोस्तों जैसे ही ये बुलबुल अपने बच्चों के लिए और खाना लेने के लिए जाती है, तभी पीछे से ये सांप उसके बच्चों का शिकार करने के लिए बाहर आ जाता है और इन मासूम बच्चों को डराना शुरू कर देता है। मगर इतने में बच्चों का शोर सुनकर उनकी
सांप फौरन यहां पहुंच जाती है और आते ही अपनी चोंच की मदद से सांप पर ऐसा हमला करती है कि सांप बेचारा सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपनी जान बचाने में लग जाता है और यहां से रफू चक्कर हो जाता है। दोस्तों सच में माँ ही वो हस्ती है जो अपने बच्चों की तरफ खतरे को आता देखकर अपनी जान की भी परवाह नहीं करती। और आप सब अपनी अपनी माँ के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर करें। नंबर 6, ब्लैक वल्चर्स अटैक्स टर्टल। दोस्तों बात अगर परिंदों के सबसे खतरनाक हमलों की हो रही हो और उसमें ब्लैक वल्चर को शामिल ना किया जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये बर्ड इतना खूनखार शिकारी है कि इसके दिए हुए जख्म से आज तक जंगल में कोई भी जानवर नहीं बच सका, जैसा कि इस वीडियो क्लिप में ही देख लीजिए, जिसमें दिखाई दे रहे ये ब्लैक वल्चर्स एक बड़े कछुए को अपना खाना बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं और इसके पीठ पर सवार होकर अपनी नोकीली चोंच की मदद से कछुए के जिस्म को नोच रहे हैं, जिससे बेचारा कछुआ दर्द से चीख उठता है और अपनी जान बचाने की कोशिश में यहाँ से फरार होने की पूरी कोशिश करता है। मगर दोस्तों इन वल्चर्स की हैवानियत को देखकर बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि ये इसे यहाँ से जिंदा जाने देंगे। नंबर 7, जियर फाल्कन अटैक्स गूस। दोस्तों जियर फाल्कन को अपने से बड़े जानवर पर हमला करने की वजह से जाना जाता है। ये ना सिर्फ बड़े जानवरों पर हमला करने का जिगरा रखते हैं, बल्कि ये उनका शिकार करके उन्हें खा भी जाते हैं और ऐसा ही कुछ हमें इस वीडियो क्लिप में देखने को मिलता है, जहां एक जियर फाल्कन अपने शिकार की तलाश में हवा में उड़ रहा था कि तभी इसकी नज़र मैदान में मौजूद एक गूस पर पड़ती है, जिसके बाद ये फौरन नीचे आकर गूस पर हमला कर देता है। और दोस्तों फाल्कन के इस हमले से बचने में ये गूस पूरी तरह से नाकाम हो जाता है, क्योंकि फाल्कन पूरी मजबूती के साथ गूस की गर्दन पकड़ लेता है और अपनी तेज धार चोंच की मदद से उसे काटकर मौत की नींद सुला देता है। दोस्तों सबसे आखिर पर आप इन बर्ड्स के भी खतरनाक हमले देखें, जो कि सच में बहुत ही ज्यादा खौफनाक हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको कुछ नया देखने को जरूर मिला होगा। तो मजीद ऐसी वीडियोस हर रोज देखने के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ बने बेल आइकन को दबाना मत भूलें। शुक्रिया, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।